जी हेलो एवरीवन सब कैसे हैं उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक चल रहा होगा आप लोगों की लाइफ में आज हम क्या करने वाले हैं जी आज जी जो हमारा टॉपिक है तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मै कौन से स्किल को चूज करें और हमें ऑनलाइन फ्री के लिए हमें कौन से स्किल को पकड़ना चाहिए कौन से स्किल पर काम करना चाहिए कौन से स्किल का ट्रेंड है खैर डिफरेंट टॉपिक इसके ऊपर हम बात करेंगे लेकिन कॉन्टेंट के ऊपर बात कर लेंगे तो कॉन्टेंट राइटिंग ऐसी चीज है जिसमें बहुत बहुत सारे मेरे आजकल जो वो प्रेफर कर रहे होते हैं कि वो कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं ठीक है अब कंटेंट राइटिंग के हवाले से बिकॉज uh, अगर आप एज अ बिगनर काम कर रहे हैं एज अ स्टार्ट स्टार्टअप काम कर रहे हैं तो आपके पास आपकी ग्रामर भी बहुत अच्छी नहीं है आपके अभी आपको थोड़ा सा अंदाजा भी नहीं है कि कॉन्टेंट कहाँ लिखा जाता है कैसे लिखा जाता है कहाँ से लिया जाता है तो उसके लिए मैं आपके लिए सेवन uh, ऐसे टूल्स हैं जो कि फ्री टूल्स हैं सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये कि फ्री टूल्स हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है वो ये है कि ये जितने भी टूल्स हैं ये अच्छा कंटेंट जनरेट करते हैं वैसे तो अगर आप ऑनलाइन जाएं जाके गूगल पे लिखें जी कंटेंट राइटिंग टूल्स तो आपको लाइक मोर देन टेन पेजेस के अंदर आपको तकरीबन मिलेंगे टूल्स 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 वेबसाइट ही मिलेंगी जो कि आपको फ्री कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे रही होंगी लेकिन ये जो टूल्स मैंने निकाले हैं खुद रिसर्च करके निकाले हैं जो पर्सनली मैं खुद यूज करती हूँ इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट भी करूंगी कि आप इन टूल्स को मस्ट यूज करें एज अ कॉन्टेंट राइटर अगर आप काम करना चाहते हैं तो ठीक है अगर आप देखना चाहते हो तो आई कैन शो यू दिस एक मिनट के लिए दिखा देती हूँ ये देखिए जी ये मेरा फाइबर का प्रोफाइल है निसा यूसुफ के नाम से लेट मी शो यू द ठीक है जी ये लेवल टू के ऊपर मैं काम करूंगी मेरी बहुत सारी मोस्टली मेरी जो गिग्स लगी है वो कंटेंट के हवाले से है गाइस कंटेंट uh, जो है बेसिकली वो कंटेंट हर जगह है ठीक कहा है कंटेंट कहाँ कहां जी अगर आप फेसबुक के ऊपर एड्स लगा रहे हैं उसमें कंटेंट है अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं उसके ऊपर कॉन्टेंट है ठीक है अगर आप एस कर रहे हैं उसके लिए आपको ब्लॉग्स लिखने हैं आर्टिकल्स लिखने हैं लाइक यू विल फाइंड कॉन्टेंट एवरी वेयर ठीक है तो कॉन्टेंट क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ अगर आप डेली बेसिस पे भी काम करते हैं आपका इंस्टाग्राम है आप टिकॉक लाइक वट एवर ठीक है तो उसमें आपको क्या है जी हर जगह आपको कॉन्टेंट को यूज करना है डोंट वेस्ट एनी टाइम मोड लाइक लेट्स गो टू दू नो स्टेप बाई स्टेप ओके जी टूल्स का क्विकली पहले मैं ओवरव्यू दे देती हूँ नाम इनके बता देती हूँ लाइक अगर किसी कोई बहुत बिजी है और उसके पास टाइम नहीं है पूरी वीडियो देखने का तो जल्दी से इस, इसको क्विकली हम देख लेते हैं जी सेवन टूल्स है जी एक सबसे पहले है जी क्विल बोर्ड उसके बाद है ग्रामरली उसके बाद

सबसे पहले जो ओपन है यहाँ पे जी अः स्पेल है जी क्यू श्यू आई डर ठीक है इसको कैसे यूज करना है जी सबसे पहले ये आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है आपको क्या करना है आपको जाके सिंपली अपना कोई भी कंटेंट है जिसपे आप काम करना चाहते हैं या आप चाहते हैं उसको आपने इंटरनेट से उठाया है कहीं से भी किसी की वेबसाइट से आपको कॉन्टेंट अच्छा लगा था कोई ब्लॉग आपको अच्छा लगा था और आप चाहते हैं कि आप उस ब्लॉग को रीराइट कर लें पहले पहली चीज तो ये कि ये टूल सिर्फ आर्टिकल रीराइटिंग के लिए नहीं है जो भी टूल्स होती हैं जो भी वेबसाइट्स होती हैं जो भी एप्स होती हैं उनमें मजीद भी फीचर्स नजर आ रहे होते हैं आपको सिर्फ एक फीचर तो कुछ देखें मैं तो अपने से रिलेटेड वाली चीज़ें आपको बताऊंगी बाकी चीजें भी आपने खुद एक्सप्लोर करनी है जैसे यहाँ पे आप देखिए ऊपर यहाँ पे लिखा प्रेजर, है जी ग्रामर चेक कर राइटर है मल्टीपल थिंग्स राइट सो वट आर गोइंग टू डू वो कहते हैं जी आपने जो भी आर्टिकल अपना रीफ्रेज करना है रीफ्रेज कहते हैं जी रीफ्रेजिंग कहते हैं अगर किसी को नहीं पता कि एक चीज़ जो लिखी हुई थी उसको दोबारा से वर्ड्स चेंज कर देना ताकि कॉपीराइट का इश्यू ना बने

रिजल्ट भी पिक कर लेते हैं ये मैंने पूरा एक दो से तीन पैराग्राफ मैंने पिक कर लिए हैं पिक करने के बाद मैंने मैंने क्या करना है जी यहां पे उस पर उसको सिंपली जाके कॉपी करके पेस्ट कर देना है ये तीनों पैराग्राफ को मैंने पेस्ट कर दिया है पेस्ट करने के बाद वट ई नीड टू डू वर इज द नेक्स्ट स्टेप यू सिंपली नीड टू फ्रेज के ऊपर मैंने इसको जाके ग्रीन बटन फ्रेज के ऊपर मैंने जाके इस पे क्लिक कर दिया है क्लिक करने के बाद मैंने सबर करना है थोड़ा सा तहमुल करना है उसके बाद मैंने देखना है यहाँ पे जाके आप देखें अब बैकग्राउंड के अंदर वुमन एम्पावरमेंट आप पहले लाइन पहला पैराग्राफ कोई देखो उसने उसको पूरा शिफ्ट कर दिया है एक चीज इम्पोर्टेंट आपने जो हमेशा याद रखनी है वो चीज़ क्या है जी देखें इंसानी जहन और मशीनी जहन डिफरेंस राइट तो ये बेसिकली क्या है ये जो आपको काम करे आपको मशीन लैंग्वेज के थ्रू आपको ये सारा डेटा प्रोवाइड कर रहा है एक चीज आपने थोड़ी सी एफर्ट आपकी यहाँ पे लाजम होती है कि आपको खुद थोड़ भी थोड़ा सा ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए खुद थोड़ा सा सेंटेंस का नॉलेज होना चाहिए स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए कि सही बन भी रहा है कि नहीं पहली लाइन देख लेते हैं जी वुमन एम्पावरमेंट ऑलवेज है In the complex, कैसे है, जी? In complex, अगर आप इसकी जगह ये वाला कॉन्टेंट यूज करेंगे जो हमने इंटरनेट से ही उठाया है तो उसमें आपको कॉपी राइट का इशू नहीं बनेगा तो इस तरह से आप अपने पैराग्राफ्स को मल्टीपल वर्ड्स uh, को इंटरनेट से उठा के इस तरह के टूल्स पे यूज करके हल्का फुल्का ह्यूमन टच उसमें ऐड करके तो ये आप अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने अपने ब्लॉग्स में अपनी वेबसाइट पे अपने आर्टिकल्स में अपने एड्स में अपने सोशल मीडिया चैनल्स में वन एवर लाइक जहां पे भी आप उसको यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं थोड़ा सा इंसानी हाथ उस जरूर रखिएगा मशीनी हाथ के ऊपर नहीं रहना ठीक है जी मेरा ये नोट आपने लाजमी याद रखना है ह्यूमन टच जो इंसानों वाला प्यार है वो अपने कॉन्टेंट में लाजमी डालना है एज इट इज कभी भी जो यहाँ नजर आ रहा है उसको कॉपी करके ऐसे फेंकना नहीं है ठीक है जी नेक्स्ट नेक्स्ट

भी करके देखते हैं जी अभी मैं एक सिंपल गई हूँ जी ग्रामीट कॉम के, के बाद मेरी स्पीड तेज तो नहीं जा रही गई अच्छा जी स्पीड तेज जा रही तो स्लो स्लोमो करके देख लीजिएगा ठीक है जी अच्छा जी मैंने क्या करना है यहाँ से जाकर उसको रिमूव कर देना है रिमूव करने के बाद वहीं से हम आ, कोई भी कॉन्टेंट उठा लेते हैं यहाँ पे अगर कोई फाइल ओपन है मेरे पास चले जी मैं ये ओपन कर लेती हूँ चले ये कॉन्टेंट मैंने कॉपी किया कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ जाके पेस्ट कर दिया ग्रामरली में अच्छा जी अब क्या कह रहे हैं जी ओके डन का मैसेज कर दिया अब वो मुझे सारे इसमें एरर्स दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे आप अपना स्ट्रक्चर ठीक कर सकते हैं कहाँ पे आपको करेक्ट करने की जरूरत है कहाँ पे इंगेजमेंट ठीक नहीं आ रही तो थोड़ा थोड़ा हमने खुद जाके उसको देखना है कि किस तरह से हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं और कहाँ पे इसके इंप्रूवमेंट की जरूरत है ठीक है ये फ्री है जी बिल्कुल फ्री है मैंने जितनी जितने भी टूल्स निकाले हैं ये फ्री है इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं यहाँ मैंने टैप पे क्लिक किया जी कहते हैं जी ओके जी माई ग्रामरली अपलोड कर दें फाइल अपलोड फाइल करनी है जी मैं चाहती हूँ कि मैं ये पूरी फाइल का डाटा चेक करके आप मुझे बताओ ग्रामरली को मैं बोल बोलती जी आ, मेरा हुक्म मानो और मैंने इसको ओपन कर दिया ओपन करने के बाद आपने सबर करना है सबर करने के बाद आपको लोड हो जाएगी देन वो जब फाइल आप डाउनलोड करेंगे डाउनलोड करेंगे तो वो सारी जो फाइल है जो यहाँ पे अपलोड हुई थी जाके उसमें आपको एरर्स बता देगा और सजेशंस बता देगा कि कहाँ कहाँ पे इसको कैसे कैसे आपको इसको ठीक करना है और क्या क्या इशूज आ रहे हैं सजेशन के अंदर वो आपको बता रहे हैं ठीक है जी तो इस तरीके से जाके आप इसको यूज करें और देखें और मैं उम्मीद करती हूँ थोड़ा सा देखें कोई भी क्वेश्चन हो कोई समझ ना आ रही हो चीज अभी देखें वीडियो की उम्र कोई क्विकली चीजें बता जरूर देती हूँ बट आई एम श्योर कि जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस करने में आपको इश्यूज़ आते हैं तो जब भी कोई इशू आए तो आप मुझे कमेंट में बता दें मुझे ई कर दें आई विल बी देर फॉर यू ऑलवेज ठीक है मैं आपकी हेल्प कर दूंगी अच्छा जी नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा है ग्रामरली को आपने ट्रायल आज भी करना है ऐप डाउनलोड करने के बाद इंग्लिश आपको पढ़नी आती है तो कोई मसला नहीं है स्क्रीन uh, शॉट भेजे मुझे ओवर द लाइक ई मेल और कॉमेंट में मैं आपको गाइड कर दूंगी अच्छा जी ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का टूल है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है ये एज एन ह्यूमन काम करता है और आपको कंप्यूटर की तरह परफेक्ट किस्म का uh, जी ये जो टूल्स बेसिकली ये जो इस तरह का ये वाला जो टूल है जिसके भी हम बात करने वाले हैं ये अमेरिका के अंदर यूएस के अंदर कनाडा के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जी मैं इसकी रिसर्च एक पढ़ रही थी अच्छा जी टूल का नाम क्या है जी हाइपर राइट डॉट ए आई ओके जी करना कैसे है करना क्या है आपको क्या करना है इसके टूल्स पे जाना है सबसे पहले आपने गूगल पे जाकर लिखना है जी हाइपर राइट डॉट ए आई लिखने के बाद आपके सामने यू स्क्रीन नजर आ जाएगी स्क्रीन नजर आने के बाद यू नीड टू गो टू द हाइपर टूल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है एंड व्हेन यू क्लिक ऑन द हाइपर टूल देन यू आर गोइंग टू सी मल्टीपल मल्टीपल टूल्स टूल्स ओके किस किस कर... किस्म के जी क्या चाहिए जी बस आप बोलो और आपको मिलेगा आपको आउटलाइन चाहिए आपको एस uh, सी के लिए टाइटल जनरेट करने हैं आपको पैराग्राफ के हवाले से कोई हेल्प चाहिए आपने अपनी राइटिंग को एक्सपैंड करना है रीराइट करना है की से और देखिए जी टूल्स ही टूल्स हैं अब मैंने लेट्स से मैं मैं आपको कोई भी इसमें से यूज करके दिखाती हूँ कौन सा करें जी कौन सा करें अम्म uh, ग्रामर फिक्सर तो हमने भी चेक कर लिया हम राइट राइटिंग एक्सपेंडर एकस्पेंड, को देख लेते हैं ठीक है जी यहाँ पे मैंने क्या करना है जी वो कहता है जी मैंने कंटेंट लिखना है आप, आपका मकसद है जी आपको क्लाइंट आया आपके पास ऑनलाइन फाइवर पे आया या फिर आपका वैसे कोई क्लाइंट आया और उसने आपको बोला भाई मुझे ये मेरे मुझे दो वर्ड्स का आर्टिकल लिख के दो आप बैठे हो जो सोच के पंद्रह सौ लिख के बैठे हो समझ नहीं आ रहा है कि पांच वर्ड्स कहाँ से लिखने हैं जी भाई इस पर वो पेश कर दें भाई और बहन मेरे इस पर पेश कर दें पेस्ट करने के बाद वो क्या करेगा आपको उसको लंबा खींच के दे देगा जैसे कि कितनी लाइन है जी ये मैंने सिंपल कॉपी किया ये जो कॉन्टेंट मेरे सामने लिखा है. इसको कॉन्टेंट करके मैंने यहां पे इसको मैंने पेज कर दिया मैंने जनरेट के टैप पे क्लिक कर दिया उसके बाद मैंने अल्लाह का नाम लेके सबर किया और देन जस्ट वेट हा मोशी और बताएँ जी सब सब कैसे चल रहा है सब्सक्राइब भी कर दिया करें प्लीज़ कभी कभी लाइक यू नो यू नीड टू गिव मी सम मोटिवेशन बिकॉज देखिए ऑनस्टली बताऊँगा तो मैं एक्स्ट्रा बैठती हूँ आप लोगों के लिए ऑफिस में ये काम करती हूँ लालच कोई भी नहीं है मुझे सिर्फ ये है कि कुछ अच्छा मैं आप लोगों को सिखा दूँ बस अच्छा जी भाषण नहीं देते दे ज्यादा अच्छा जी ये देख सकते हैं आप लोग ये मैंने इसको आ,

ये सब मैंने वही वाले टूल्स निकाले हैं जो जो अच्छे वाकई अच्छे हैं ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट टूल्स हाइपर ए आई को याद रखिएगा नेक्स्ट इज उबर सजेस्ट ये टूल टूल भी फ्री टूल है इसमें आपको वर्ड अगर आप एस का, का काम करते हैं एस के ब्लॉग्स लिखते हैं ब्लॉगिंग uh, uh, करते हैं अगर आप एस uh, के वाले से आपको आइडियाज चाहिए होते हैं कंटेंट के लिए नहीं समझ आ रहा कैसे करना है तो यहां से जाके आप इस वाले टूल से जाके उसमें आप uh, निकाल सकते हैं जी अपने सोल्यूशन प्रॉब्लम के अच्छा जी उबर सजेस्ट पे जाना है अगर तो आपको सिंपल चाहिए की तो आप जाके मैंने सिंपल उबर सजेस्ट के ऊपर दोबारा से डबल क्लिक किया ताकि मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच दिखा सकूं दैट हाउ इट वर्क ओके जी अभी मैंने साइन इन वगैरह कुछ नहीं करना है इसके ऊपर मैंने आई जस्ट यू नो क्या करना है मुझे सिर्फ आइडियाज चाहिए भाई मुझे साइन इन नहीं करना आई जस्ट डो वो साइन इन कैन यू जस्ट शो में विदाउट साइनिंग इन अच्छा जी उस पर उसके बाद आपने जाना है की वर्ड्स के ऊपर ठीक है आप बिल्कुल लेफ्ट टैप पे देखे कीवर्स के टैप पे क्लिक करना है और देन आपने कॉन्टेंट आइडियाज पे जा सकते हैं आप इसके अलावा अगर आपको

डिजिटल मार्केटिंग क्योंकि सबको शौक होता करने का आजकल कर ट्रेंड भी है तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग ही लिख देते हैं यहाँ पे डिजिटल uh, मार्केटिंग लिखा डिजिटल मार्केटिंग लिखने के बाद क्या हुआ मेरे सामने टॉपिक्स के नाम आगे आइडियाज आगे फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स डिजिटल मार्केटिंग आइडियाज ये ना कीवर्ड्स के ऊपर आइडिया डिजिटल मार्केटिंग फलाइन बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग दिस 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 यहाँ पे आप जाके सिंपल इसको ऑन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको किस तरह के इसमें लिंक्स मिल रहे हैं किस तरह के आइडियाज आ रहे हैं आपके पास फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लिक करती हूँ क्लिक करने के बाद सबर करना है उसके बाद आपके सामने ये देखें जी अगर आपको कंटेंट के हवाले से उसने एग्जांपल्स दे दिए हैं डिजिटल मार्केटिंग कि आप लोगों को जॉब डिस्क्रिप्शन लिखनी है क्वालिफिकेशन अगर आप पोस्टिंग करना चाह रहे हैं आपको कोई हायर करना है किसी बंदे को तो उस हवाले से यहाँ से आप कॉन्टेंट निकाल सकते हैं अच्छा जी ये वाला क्लिक कर देते हैं तो ये मतलब आर्टिकल्स के आइडियाज है कि आप किस तरह का, का काम कर सकते हैं ये डिजिटल मार्केटिंग किसी ने ब्लॉग लिखा है तो आप इस तरह का ब्लॉग लिख सकते हैं तो ये आइडियाज है टू जनरेट कॉन्टेंट कि अगर आपने अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए कॉन्टेंट लिखना है तो उसके आइडियाज कहाँ से ले सकते हैं ओके जी नेक्स्ट मूव करते

एवरेज बेसिस पे लोग कितना सर्च करते हैं मंथली कि, किस की वर्ड को गूगल पर जाकर लोग कितना लिखते हैं और कितना काम करते हैं ठीक है जी तो ये यूनिट टू सर्च बायोर ऑन मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे करना है यूनिट टू डू इट बाई लाइक ऑन की आप इस पर रिसर्च करो इसके ऊपर आइडियाज देखो जस्ट डू इट बाई योर सेल्फ ना ओके अच्छा जी नेक्स्ट है नेक्स्ट 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 वन इज लेट मीडिया फालतू वाले अच्छा जी ये भी बहुत अच्छी ऐप है जी बड़े मजे की ऐप है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में यूज होने वाली ऐप है जी जी टूल है इसका नाम है जी राइट सोनिक डॉट कॉम अब इसको करते कैसे यूज है सबसे पहले इसको जाके आप अपना गूगल से लॉग इन कर लें गूगल पे जाके लिखे जी राइट सोनिक डॉट कॉम देन ही विल आस्क यू सॉरी ही पूछेगा आपसे कि क्या जी गूगल से इसको साइन इन कर लो फेसबुक से कर लो जी से कर लो साइन इन कर लें जैसे मैंने अभी ये जमील वाला अकाउंट है जैसे मैंने इसको लॉग इन किया हुआ है उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट में मैंने क्लिक करना है क्योंकि मेरा नया काम है जैसे मैं काम कर रही हूँ मेरा फेसबुक uh, एड्स का मुझे कॉन्टेंट चाहिए फेसबुक या सोशल मीडिया पोस्ट लिखते थे जी सोशल मीडिया पोस्ट है मेरी फेसबुक के ऊपर पेज है उसके हवाले से मुझे uh, चाहिए जी कुछ काम तो मैंने लिखा जी सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन एंड देन आई क्लिक ऑन द न्यू प्रोजेक्ट एंड देन आई विल वेट

यू आर गलत सी लॉर ऑफ थिंग्स हेयर कि आप कौन सी चीज यहाँ पे चूज कर सकते हैं लाइक like, मैं आपको कोई भी बता देती हूँ उसमें जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कौन सा कौन सा कौन सा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने क्लिक किया जी यहाँ पे आपको क्या करना हो जाए प्रोडक्ट के हवाले से उसको उस, उस पर कोई भी नाम टाइप करना है जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया क्लोज ठीक है मैंने टाइप किया क्लोज उसके बाद मुझे बताइए उसको मैंने कहा अच्छा जी ओके जी जनरेट कर दो इंग्लिश ऑब्वियसली मुझे उसको बताना होगा कि आपको आ, किस वाले की क्लोथ है जी जी आ, mix of, uh, white and green tea. Okay, जी क्या क्या कहते जी? के में इसको क्या कहते देसी हैं होगा अच्छा मुझे शॉपिंग वॉपिंग का इतना शौक नहीं है असल में क्लासिक क्लोदिंग टीवर टाइप कर दिया किड्स क्लोदिंग किड्स क्लोदिंग क्लाइंट का मैसेज आया मेरे ओके okay जी उसके बाद मैंने जो पे क्लिक करना है ओके okay भाई फाइव वर्ड्स टाइप करो ओके okay जी आप फाइव वर्ड्स टाइप कर लीजिएगा कॉन्टेंट को अंडरस्टैंड कर सके कि आप चीज पे आप कंटेंट ऐड करो देखा जनरेट पे क्लिक कर दो मुझे बताना कि अच्छा सा कॉन्टेंट अच्छा निकला या नहीं फिर uh, फालतू था या किसी काम का नहीं था डू टेल मी इन कमेंट्स ओके जी नेक्स्ट टैब है जी परफेक्ट दिस इज वन ऑफ द ग्रेट यू नो टूल एंड ऐप विच आई वैसे जी आंसर पब्लिक इसके ऊपर आपको मिल मिल जाते हैं, की मिल जाते हैं हैं के आइडियाज अगर आप ब्लॉगर हैं अगर आप आर्टिकल राइटर हैं अगर आप कुछ भी हैं जी कंटेंट के हवाले से किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ दिखा कि किस तरह से आपको इसमें आइडियाज मिल जाते हैं मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ जी ऐसे क्या टाइप करूं क्या टाइप करूँ ओके uh, okay. मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ कस्टम प्रिंटिंग ठीक है कस्टम प्रिंटिंग कस्टम प्रिंटिंग नहीं कराते जो लोग टी शर्ट्स मास्क और पेन वगैरह और गिफ्ट्स वगैरह इस तरह की चीजें कराते हैं ठीक है जी जी उसके उसके बाद बाद करना है आपने कस्टम प्रिंटिंग देखते हैं पे किस किस किस्म की चीजें आएंगी ये देखें जी कितने मजे मजे की चीजें आ गई हैं वो कहते हैं जी इस किस आप -किस, 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 किस तरह से कॉन्टेंट लिख सकते हैं यहाँ पे उसने बताया जी अः डब्ल्यूज फाइव डब्ल्यूज जी अब बता पे सारे जितने भी हैं ये आइडियाज हैं आइडियाज किस किस्म के कहते हैं जी इज वाय बैड फॉर द इनवायरमेंट ठीक है एक ब्लॉग मिल गया टॉपिक मिल गया वस्टम प्रिंटिंग एक टॉपिक मिल गया ठीक है ब्लॉग जिस पर आप लिख सकते हैं एस यू वाले अगर आप एस यू का तालु है आपके साथ या आपका कोई ब्लॉगिंग का तालु है फिर आप इस को अच्छे से समझ सकते हैं कि वर्ड्स का जो हमें आइडियाज मिल जाते हैं वो किस हद तक हमारे लिए फायदेमंद होते हैं वन वी फाइंड द कीवर्स आइडिया कस्टम प्रिंटिंग के ऊपर मल्टीपल नेम्स है मल्टीपल चीज है जिस काम कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे उसने तो लिखा हुआ है देखे ना अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से और ये देखिए कितने मजे मजे के कीवर्ड्स वर्ड उसने हमें निकाल के दे दिए हैं अब ये कीवर्ड्स आपको कहाँ यूज करने होते हैं की वर्ड आपको यूज करने होते हैं जी जब आप आर्टिकल लिखते हैं अच्छा एस के हवाले से मैं आपको गाइड जरूर करूंगी फ्यूचर में बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि कीवर्ड्स होता क्या है कैसे होते हैं की रैंक वेबसाइट आपकी रैंक कैसे करती है बेसिकली uh, की होता है वट इज ए की वर्ड की एक ऐसी चीज होती है जी जो भी आप गूगल में लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको सर्च आपकी अपियर होती है सिंपल और आसान खास बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं गूगल पे गई हूँ भूख लगी है खैर अभी तो अः मैंने यहां जाके लिखा बेस्ट प्लेसेस टू ईट इन लाहौर यहां पर मैंने लिखा इन अभी मैं बैठी हूं गार्डन टाउन में तो मैंने लिखा गार्डन टाउन ठीक है ये मैंने ये अब मैंने व्हाट इज दिस वर्ड बेस्ट प्लेसेस टू ईट इन गार्डन टाउन दिस इज एन कीवर्ड ठीक है ये कीवर्ड है अब जिस बंदे ने अपनी रिसर्च के अंदर अपने कंटेंट के अंदर कहीं वेबसाइट पे कहीं पोस्ट पे लिखा होगा ना प्लेसेस टू ईट इन गार्डन टाउन या एड्रेस उसने लिखा होगा कि मेरा उसने अपने फेसबुक का पेज अपना वेबसाइट के ऊपर अपना एड्रेस लिखा होगा तो ऑटोमेटिकली मैं उसको आ, वो मुझे लाइक नजर आ जाएगा वो बंदा जिसने भी यहाँ वेबसाइट के ऊपर और फिर उसको फायदा क्या होगा कि मैं उसकी आ, मेरे सामने उसकी डिटेल्स आ जाएंगी और जैसे उसने यहाँ लिखे हुए मेरे रेस्टोरेंट के नाम मेरे सामने डिटेल्स आ गई डिटेल्स आ जाएंगे तो मैं उससे ऑर्डर कर लूंगी और उसका फायदा हो जाएगा उसका भला हो जाएगा तो कीवर्ड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी नहीं समझ आया वैसे मैं मैंने बड़े प्यार से अच्छे तरीके से समझाया कि क्या होते हैं की बेसिकली वो होते हैं जिसके थ्रू तो अपनी रिसर्च करते हैं इसलिए हमारे कॉन्टेंट के अंदर की जरूरी होते हैं क्यों जरूरी होते हैं क्योंकि अगर हमारे कॉन्टेंट के अंदर अच्छे अच्छे की होंगे अगर रेलवेंट होंगे तो हम गूगल के अंदर अपियर होंगे गूगल के अंदर ऊपर आएंगे गूगल में हम लोग हमें सर्च करेंगे जिससे हमारी एट द एंड ट्रैफिक बढ़ेगी और लोग हमें जानेंगे ठीक हो गया जी अगले टूल की तरफ मूव करते हैं हैं अभी हम जो कर रहे थे वो था आंसर दी पब्लिक विच इज वेरी गुड टूल ट्राई इट एंड जस्ट लेट मी नो के इफ यू लाइक इट नॉट ओके जी दिस इज वन ऑफ द यू नो द गुड प्लेटफॉर्म विच हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड टाइटल द आपने ब्लॉग लिखा हुआ है ऑलरेडी एक और उसके अंदर मिस्टेक्स क्या है अगर आपने इंटरनेट उठाया है उसको वो जा के आपको बताएगा जिसमें क्या क्या मसले हैं तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको जो मुझे सबसे पसंद है आप सब यूज करें देखें आईरोन नो भी आपको कौन सा अच्छा लगेगा आप सबके सब यूज करें मुझे पढ़ने जो पसंद है मैंने आपको बताए ग्रामरली मैं बहुत यूज करती हूँ उबर से मैं यूज कर लेती हूँ अक्सर ये वाला मैं अक्सर यूज करती हूँ विच इज हाइपोराइट एंड

ऑरेंज I I वाला मसला है वो क्या है डिफिकल्ट अंडरस्टैंड करना सादा कर लो आसान कर लो देसी कर लो ग्रीन वाले में क्या इश्यू है? कहते हैं जी थोड़ा सा मिक्स हो रही है चीजें उसको थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है मुझे करते होते हम अपना एक्टिवाइज पैसि यू नो टेंसेज वाला ओके okay, जी फ्रेजेज ओके इससे हमें पता चल जाएगा हम कहा से इंप्रूव कर सकते हैं अपने कॉन्टेंट को जो कि गूगल के हवाले से अच्छा होगा देन वी कैन सी कि हम यहाँ पे कहा इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं तो सब सब टूल्स अच्छे हैं सब यूज करें कॉन्टेंट राइटिंग का काम करें तो जरूर करें थोड़ा सा इतना दिमाग लाजमी उसके लिए चाहिए होगा ऐसा बंदा जिसको बिल्कुल ए बी सी डी भी नहीं आती इंग्लिश के हवाले से और वो मुझे आगे कहता है जी मैं इस तरह कॉन्टेंट राइटर बनूंगा तो भाई आप नहीं बन सकते गूगल ट्रांसलेट हेल्प नहीं थोड़ी सी इंग्लिश पहले इंप्रूव कर लें ये नहीं मैं कहती कि आप महापुरुष बन जाए उसके अंदर इंडियन वर्ड यूज किया सॉरी जस्ट मेक श्योर के इंडियन वर्डो राइट तो मेक uh, श्योर sure करें कि अच्छा लिखे, अच्छा लिखें अच्छा अच्छा काम करें और मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा वीडियो प्लीज सब्सक्राइब कर दें अच्छी लगी है तो uh, ताकि मुझे अच्छी मोटिवेशन मिले ओके जी थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिजाटा बाय बाय अगली वीडियो में अच्छी अच्छी सी वीडियो बनाओगे जी बाय बाय हाफिजाटा